लॉकडाउन के चलते गरीबी की मार झेल रही झोपड़पट्टी के वासियों को होप्स इंडिया फाउंडेशन की तरफ से एक नई पहल शुरुआत की गई। 44 ई सिद्धावाटप कार्यालय के अंतर्गत सभी दुकानों के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए होप इंडिया ने छेड़ा है अभियान। लोगों को किस तरह से राशन और कितना मिले उस तरह के लगाए हैं कैंप। देखिए खबरें आज भी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज भी। जहां लॉकडाउन या कोरोना वायरस के चलते इतनी बड़ी जो लॉकडाउन हुआ, आज प्रधानमंत्री आज ने 3 मई तक बढ़ा दिया। वहीं होप इंडिया की तरफ से पूरे रफीक नगर पूरे इलाके में, जो गोवंडी सबसे बड़ा मुस्लिम इलाका और भौगोलिक और गरीब बस्ती मानी जाती है, वहीं होप इंडिया की तरफ से राशन कार्ड धारकों को एक मुहिम चालू की गई है। उस मुहिम के तहत कितना किलो कैसा मिला जाता है, हम बात करते हैं एक रिलीफ जो कैंपिंग चला रहे हैं उनसे बात करेंगे क्या है, किस तरह से आप लोगों को गाइडलाइन कर रहे हैं। सर अपना नाम बताइए और किस तरह से कोई गाइडलाइन कौन से संस्था से कर रहे हैं। देखिए मेरा नाम अतीक अहमद खान है, होप इंडिया फाउंडेशन के साथ काम कर रहा हूँ मैं। और 1 अप्रैल के पहले हम लोगों ने वीडियो बनाया था कि लोगों को राशन कितना मिलना चाहिए, और जब हम लोगों ने सर्वे किया तो पता चला लोगों का जो कोटा आ रहा है सरकारी कोटा, उस कोटे का 25% और 20% ही लोगों को दिया जाता है, बाकी कोटा रख कर उसको ब्लैक में उन्हीं लोगों को बेचा जाता है 20 रुपये 23-25 रुपये किलो के दर से, 2 रुपये 3 रुपये किलो जो उनके नाम पर आया। तो हम लोगों ने राशन दुकान वालों से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप उनको पूरा राशन दीजिए, जितना उनके नाम का कोटा आया पूरा का पूरा आप उनको अलॉटेड कोटा जो है वो पूरा डिस्पर्स कीजिए। लेकिन राशन दुकान वाले इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे। काफ़ी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, वैसे भी हुई, लोगों को समझाने की भी कोशिश की, फिर उसके बाद हम लोगों ने बैठ कर उसके ऊपर सोचा कि इस तरह से करेंगे तो जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं खराब होगा। सो लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक स्कीम शुरू की, ताजू शरिया स्कीम। इस स्कीम के तहत हम लोग क्या करते हैं कि अपने ऐसे गोवंडी के अंदर 5-6 सेंटर्स बना चुके हम लोग, जहाँ से हम लोगों को बुलाते हैं, राशन कार्ड लेते हैं, उनको भेज देते हैं, और उस राशन कार्ड के ऊपर से आरसी डिटेल निकाल कर महा ई पोस वेबसाइट में डालते हैं, और उस वेबसाइट में डालने के बाद किसका कितना राशन आया उसको बुलाने के बाद उनको हम समझाते हैं कि आपका ये रेगुलर राशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो फ्री राशन आने वाला था इसकी कोई जानकारी नहीं थी, इलिटरेट इलाका है यहाँ पर जानकारी नहीं थी, लेकिन जब से हम लोगों ने शुरू किया काम काफ़ी लोगों के अंदर ये जानकारी आई कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अंत्योदय योजना के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आ रहा है वो गरीबों तक पूरा पहुंचे, फ्री में पहुंचे, यानी मोदी जी का एक अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लोगों तक पहुंचे, ताकि पता चले लोगों को भी हमारा प्रधानमंत्री हमारे लिए कुछ कर रहा है। सो इन सारी चीज़ों को अवेयर करने के लिए हम लोगों ने लैपटॉप्स और प्रिंटर्स जो है वो लगाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और यही काम है। और होप्स इंडिया फाउंडेशन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजिशन पर खड़ा है कि हम लोगों को राशन के कोटा के साथ साथ उनको बिल अगर वो लेकर आते हैं तो हम उनको पूरा का पूरा पैसा भी दे रहे हैं कि आप राशन जुड़ाने का पैसा भी हमसे ले जाओ, अगर आपके पास नहीं है बिल लेकर आइए पैसा ले जाइए। आज होप इंडिया फाउंडेशन इस पोजिशन में है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ये स्कीम जो है ताजू शरिया स्कीम पूरी मुंबई में चलाने के लिए तैयार हैं। जिन हजरात को भी ये स्कीम चलाना है तो होप इंडिया फाउंडेशन से कांटेक्ट कर सकता है, हमसे कांटेक्ट करें, हम उसको पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है पूरा का पूरा प्रोसेस समझाएंगे, और जो भी फाइनेंशियल भी थोड़ी बहुत हेल्प लगेगी तो हम उनको करने के लिए अग्री करते हैं और तैयार है। आप यहाँ रफीक नगर में ये कैंपेन जो चला रहे, आपके साथ में टोटल कितनी टीमें काम कर रही हैं और किस तरह से काम कर रही है? ऐसे होप इंडिया फाउंडेशन की जो टीम है 4 टीम हम रेडी कर चुके हैं, और जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप सैयद शाहरुख है और भी लोग हैं, और होप इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट यहाँ बैठे हुए, ये रोज सुबह 9 बजे आ जाते हैं यहाँ पर और शाम तक यहाँ पर रुके होते हैं हमारे साथ। सो ये लोग हैं जो इस पूरे कार्यक्रम का जो रीढ़ की हड्डी कह जा सकते हैं वो है, पूरा काम ये कर रहे हैं, पैसे भी यही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और सारे लोगों को यहाँ पर बताते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम लोग वहाँ पर विजिट करते हैं, दूसरी जगह पर विजिट करते हैं। सो ये हमारी टीम है, इसके अलावा और भी टीम है जो वर्क कर रही है अलग अलग इलाकों में, जैसे बाबा नगर हो गया, बैगनवाड़ी हो गया, रिक्शा स्टैंड हो गया, ऐसे अलग अलग इलाकों में हमारी टीमें काम कर रही हैं। ये आप लोग खा लो, इसी तरह होप इंडिया की पूरी टीम पूरे शिवाजीनगर में काम कर रही है, जो उनके मेन फाउंडर है वहाँ पर, उनके साथ में लोगों के साथ में जो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए काम आता है, आज उनके तौर पे कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। यही होप इंडिया की एक पहचान होती है, लोग मतलब जब भी कोई मुसीबत आती है तो उस मुसीबत में होप इंडिया
लोगों के साथ में और लोगों के बीच में रहकर काम करती है। देखते रहिए खबरें आज की।